महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पास नहीं हुआ, हमेशा पिछली बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है और वही यहाँ के विकास के बारे में बातें कह रहा है। दरअसल ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर अक्सर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आते हैं और अक्सर उनके एजुकेशन पर बात करते हैं कि आप समझ सकते हैं कि बिहार का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे हैं जो वो 9वीं पास भी नहीं है, तो ऐसे में बिहार की दशा क्या होगी। और वैसे ही एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि समझ सकते हैं कि जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पास नहीं हुआ, हमेशा पिछली बेंच पर बैठा है, वो यहाँ के विकास के बारे में बात कर रहा है और वही यहाँ का नेता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। पिछली बार कब इन लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, वो इनको जारी करना चाहिए। जैसे सरकार का एक मैंडेट है ना कि भाई आपको बताना है कि कितना पैसा आप कमाए, आपका संपत्ति में क्या घट बढ़ हुआ। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता है कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले एक साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया उलूल जुलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या। जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, नवा फेल आदमी है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को महाज्ञानी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसे बता रहे हैं कि बिहार का जीडीपी सबसे अच्छा है और यहाँ का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। जब आप उनसे कहेंगे कि थोड़ा विकास लिख के दिखाओ तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इसे कैसे लिखना है, और वो ऐसी ऐसी बातें जो है वो भी कह रहे हैं। और वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्हें याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी। तो देखिए प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर खूब हमला बोले हैं, जमकर निशाना साधे हैं और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, और जहां अक्सर वो उनके एजुकेशन पर वार करते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव को लपेटे में लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।